मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमने पढ़ी है डीप लोक एलिमेंट बीएससी सेकंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है। तो अपने सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं, यानी ये जो कंप्लीट डीप लोक एलिमेंट है इसके अंदर क्या क्या पढ़ा जा रहा है। तो सबसे पहले तो अपने को ये जानकारी लेनी है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो डीप लोक एलिमेंट है इसकी पोजिशन कहाँ है, यानी ये पूरे पीरियोडिक टेबल में डीप लोक एलिमेंट कहाँ स्थित होते हैं। उसके बाद में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उसके बाद में इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जैसे कि इन एटम का साइज हो गया या आयंस हो गए, रिएक्टिविटी हो गई, कैटालिक एक्टिविटी हो गई, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी हो गई, इनका कलर हो गया, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई, इनकी नॉन स्टाइकियोमेट्री गुण हो गए, इनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी चीजें डिपेंड करती है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे। सबसे पहले तो अपने ये जानेंगे कि ये जो डीप लोक एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में कौन सी पोजीशन पे या कौन सी जगह पे उपस्थित होते हैं। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप जो लेते हैं अपने 3 to 12, यानी कि ये है अपने पीरियोडिक टेबल, ये मैंने बनाई पीरियोडिक टेबल। तो इस पीरियोडिक टेबल में इस साइड आएगा कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक, इस साइड कौन सा आएगा, पी ब्लॉक, और जो डी ब्लॉक आता है वो सेंटर में आता है डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में भी जो ग्रुप है इनके, तो वो ग्रुप कहां से, यानी 3 से लेके 12 तक ग्रुप पड़े जाते हैं, यानी कि वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के जितने भी तत्व आते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अब इसने बोला है डी ब्लॉक में कितनी श्रेणियां होती है, या यूं कह सकते हैं कि कितनी लाइंस होती है, कितने ग्रुप होते हैं, सॉरी ग्रुप नहीं, कितने पीरियड होते हैं। तो भाई ये 4 प्रकार के पीरियड, यानी 4 प्रकार के आवृत जो है वो अपने इस ब्लॉक में पढ़ते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कहां से कहां तक के एलिमेंट पढ़े जाते हैं। तो यहां इसने बोली है कि जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज यानी सीरीज जो रहती है वो 3D से लेके 4 सीरीज चलती है, 3D, 4D, 5D, 6D और लास्ट आती है 7D, यानी कि ये इतनी है तो यहां तक अपने बढ़ते हैं, 6D तक पढ़ी जाती है, 7D में अपने आ जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट। बाकी जो अपने लास्ट एक्टिनोइड पढ़े जाते हैं वो 6D के अंदर ही पढ़े जाते हैं। तो फर्स्ट सीरीज में कौन से एलिमेंट आते हैं, स्टेडियम से लेके जिंक तक के एलिमेंट आते हैं, यानी स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 10 एलिमेंट आते हैं, यानी कि प्रत्येक सीरीज में 10 एलिमेंट आते हैं। तो सबसे पहले जो 3D सीरीज है, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, प्रथम संक्रमण श्रेणी जो कहते हैं वो आती है स्केडियम से लेके जिंक तक की श्रेणी, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 3D सीरीज में भरे जाते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेकंड आती है वो इट्रियम से लेके कैडमियम तक, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 4D सीरीज में भरे जाते हैं। नेक्स्ट जो 3 है, यानी कि जिसमें 5D सीरीज आती है, या यूं कह सकते हो तृतीय संक्रमण श्रेणी आती है, तो वो आती है लेंथेनम से लेके मैर्क्यूरी तक के जो एलिमेंट है वो इसके अंदर आते हैं। और इन तत्वों को आप क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड बोला जाता है, लेंथेनोइड बोला जाता है, इस श्रेणी को लेंथेनोइड श्रेणी बोला जाता है, यानी कि जो 5D श्रेणी है इस श्रेणी को क्या बोला जाएगा, लेंथेनोइड श्रेणी बोला जाएगा। और नेक्स्ट आती है फोर्थ, इसमें 6D सीरीज आती है, और ये एक्टिनोइड्स होते हैं अभी, और जो अभी तक इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुई। दूसरी बात ये है जो लास्ट वाली 5D और 6D सीरीज है, इसमें F एलिमेंट भी आ जाते हैं इसके साथ ही। तो इस तरीके से अपने इन
नेक्स्ट पढ़ेंगे सीरीज, ये वाली सीरीज है, ठीक है। तो यहां क्या होगा,